नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डीसीपी न्यूज, सच्ची आवाज जनता की। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला में चल रही महंगी स्टाइलिंग दुकानें, आर्थिक स्कूलों में बच्चों के अच्छे संस्कार, हाई एजुकेशन व इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई का स्वरूप दिखाकर अभिभावकों की खाल। नाम है मेरा साहब समृद्धि अग्रवाल, मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, जो जीपी इंटरनेशनल स्कूल में इस साल कक्षा हाई स्कूल में अध्ययन है और ये कक्षा 4 में जेपी से पढ़ रही है साहब। और जेपी के बारे में सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जेपी शिक्षण शुल्क के नाम पे बहुत जरूरत से ज्यादा गार्जियन को दोहन करने का कार्य करती है साहब। और मतलब उनका ध्यान कहीं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ना होकर पैसे लूटने में लगा रहता है साहब। पैसे ना दें तो बार बार धमकी देते हैं, बच्चों को पेपर नहीं देने देंगे, बच्चों को निकाल देंगे, बच्चों को धूप में खड़ा करना, ये सब उनके कार्य रहते हैं साहब। और अभी मैं चूंकि मैं बाहर गया था 15 तारीख को, तो फार्म मीडिया का भरना था, मैं गया, लौट के आके मैंने बताया कि हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया मुंबई में और ये हम लोगों के साथ हादसा हुआ। मैंने उनसे हाथ भी जोड़े कि मैं बड़ी कमाई को डकार रहे हैं। बच्चों के सुनहरे भविष्य की खातिर माँ बाप अपना सब कुछ गिन भी रख कर दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन समृद्धि अग्रवाल, हम जेपी इंटरनेशनल स्कूल में है, क्लास 10th में पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में 2-3 महीने से टीचर्स की कमी आ रही है, टीचर्स ढंग के नहीं है हमारे स्कूल में। मैथ का टीचर अच्छा नहीं है, बायो का टीचर अच्छा नहीं है, और अब टीचर्स आए हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, उनको ज़्यादा आता नहीं है। बायो के टीचर्स तो हमारे बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और हम लोगों ने जब शिकायत की, कुछ किया, तो उन्होंने धमकी दी हमको कि हम लोग एग्ज़ाम देने नहीं देंगे आपको, और यही सब धमकी देते रहते हैं कि वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपका, आपको 10th के एग्जाम्स नहीं देने देंगे, टीसी दे देंगे आपकी, यही सब कहते हैं। आपने टीचर नहीं आ रहे हैं, इस बात की शिकायत किन किन लोगों से की है स्कूल में? हमने मोटी चमड़ी वाले स्कूलों पर इसका रस्ती पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विडम्बना देखिए समाज की कि लोग जान रहे हैं कि वो लुट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लुटे जा रहे हैं कि इस आस में बेटे या बेटी का भविष्य बन जाए। बड़ा सवाल ये है, क्या विद्यालय में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाले जेपी इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ 30